गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत महीनों बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं। कुछ काम में बिजी थे, जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसी के पीछे लगे पड़े हैं। तो हाँ, इसी वजह से हमें टाइम नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, लेकिन अभी बाइक की कुछ मेंटेनेंस का काम करना है तो सोचा कि इसी बारे में व्लॉग कर लेते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा, वी आर चेंजिंग अ चेन स्प्रॉकेट ऑफ अ बाइक। तो बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 19,500 किलोमीटर्स, तो इतनी जल्दी चेन स्प्रॉकेट नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन टाइम टू टाइम मेंटेन ना करने के कारण ऐसी नौबत आ गई है कि हमें चेन स्प्रॉकेट चेंज करना पड़ रहा है। तो जो कंपनी का डिफॉल्ट चेन स्प्रॉकेट आता है मैं वो नहीं लगवा रहा हूँ, इस बार ब्रास का चेन स्प्रॉकेट ट्राई कर रहा हूँ। तो ये रोल ऑन कंपनी का है, बहुत ही कॉमन नाम है बाइक मार्केट में। अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करो तो आपको पहले सजेशंस पे वही आएगा। वैसे इससे भी कॉस्टली चेन स्प्रॉकेट्स आते हैं, फिलहाल मैं वो इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। मैं यही इंस्टॉल करके देख रहा हूँ क्योंकि इसके रिव्यू मैंने बहुत ही पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है इस चेन स्प्रॉकेट के, और थोड़े से ऐसे वैसे रिव्यूज़ भी है। यानी नॉर्मल चेन स्प्रॉकेट जैसे आप यूज़ करते हो, अगर उसको बदलने का समय आ जाता है तो उसके जो टीथ होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, लेकिन रोल ऑन के मैंने सुना है कि टूट जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, आपको बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इंस्टॉल हम खुद नहीं कर रहे, हमारे लोकल मैकेनिक से करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, कुछ हमें गलत नहीं करना है। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, चेन स्प्रॉकेट मैं भी देख लेता हूँ कैसा है, और उसके बाद हम चलेंगे अपने लोकल मैकेनिक के पास, इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा बाइक पे कैसा दिख रहा है, क्योंकि ब्रास चेन स्प्रॉकेट और गोल्डन कलर में आता है तो दिखने में भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं क्विकली, है ना। तो कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है, मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कौन से वेबसाइट से मंगाया है मैं फिलहाल भूल गया हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आया है। तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो अगर आपको ख़रीदना हो। तो वेबसाइट का नाम है मोटो एवेन्यू, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्विकली इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये रहा उसका बॉक्स, रोल ऑन का BRP किट। तो इसके फीचर्स कुछ यहाँ पे उन्होंने दिए हुए, तो सारे कुछ आप देख सकते हो। चलिए ये भी ओपन करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से पैकिंग में आया है कि ये प्री ल्यूब्ड आते हैं, इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगा हुआ आता है चेन में। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया ये प्री ल्यूब्ड आता है, इसमें पूरा ऑयल लगा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो आप देख सकते हो गोल्डन कलर की है ब्रास चेन जो आती है, आई होप ये दिख रहा हो क्लियरली। तो ये गोल्डन कलर की चेन है, इसके अंदर स्प्रॉकेट है वो भी गोल्डन है, आगे का स्प्रॉकेट जो इंजन के साइड में आएगा, और ये पीछे के व्हील में जो स्प्रॉकेट आएगा वो है ये ब्लैक कलर में है। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई उन्होंने ब्लैक में ही भेजा है, क्योंकि अगर सिल्वर में आता तो मैं इसको ब्लैक कराने ही वाला था। तो वेल एंड गुड कि ऑलरेडी ब्लैक में आया है, हमें ब्लैक में ही चाहिए था, हमारी बाइक के थीम को मैच करेगा। तो दिस वाज द क्विक अनबॉक्सिंग, चलिए चलते हैं मैकेनिक के पास, हमारी बाइक लेके चलते हैं और हमारे स्प्रॉकेट इंस्टॉल करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वैसी बाइक चला रहा हूँ, चेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। वैसे तो ये परफॉर्मेंस पार्ट है तो कैसा भी दिखता हो वो मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रास का चेन है जो गोल्डन कलर के चेन है और ब्लैक प्लेट है, वो अलग ही लुक आएगा, बहुत ही अच्छी लुक आएगी बाइक पे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं बाइक पे कैसा दिख रहा है हमारा नया चेन स्प्रॉकेट। चलिए तो कुछ इस तरह से दिख रही है अपनी चेन अभी फ़िलहाल, तो इसका प्रॉपर लुक आया नहीं है। आप देख सकते हो तो इस पर एक ग्रीस लगाया हुआ है, वाइट ग्रीस जो कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट आता है, वो धीरे धीरे सूख जाएगा, और उसके बाद जब हम बाइक की ऑयलिंग करेंगे तो उसका एक प्रॉपर गोल्डन लुक आएगा, तभी और भी बेहतर दिखेगी। इसलिए मैंने फ़िलहाल रनिंग शॉर्ट्स भी नहीं लिए हैं या सिनेमेटिक्स ज़्यादा नहीं लिए, तो प्रॉपर लुक आएगा। उसके बाद ही हम आपको एक और नए वीडियो या शॉर्ट्स में बता देंगे कि बाइक की लुक कैसी आ रही है ना। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग हमारे चेन स्प्रॉकेट चेंज के बारे में। तो पहली बार यूज़ कर रहे हैं रोल ऑन का ब्रास चेन स्प्रॉकेट, तो फिलहाल तो कुछ ओपिनियन नहीं दूंगा, जैसे जैसे यूज़ करेंगे अगर कुछ डिफेक्ट्स या फॉल्ट्स नज़र आती है तो ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ, और कुछ एडवांटेजेस होंगे तो वो भी शेयर करूंगा जल्द ही। और इसके साथ ही कुछ और पार्ट्स इंस्टॉल होने हैं बाइक पे, एक्सेसरीज़ और कुछ नेसेसरी पार्ट्स भी, तो उसके ब्लॉग्स भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे, और हम राइड्स पे भी जाने शुरू करने वाले फिर से। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल नए ब्लॉग्स के लिए, और मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।